साथियों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस एवं भारत के पहले उपराष्ट्रपति और शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक के बारे में मैं क्या बताऊं, इसके ऊपर लाखों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। इसीलिए एक शिक्षक और एक गुरु के बारे में उस व्यक्ति की पुस्तक से जानते हैं जो स्वयं में एक महान शिक्षक और एक महान गुरु है। आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में गुरु की महिमा के बारे में क्या लिखा है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है गुरुजी की क्लास लाइफ लेसन्स बाय गुरुजी में। गुरुजी की क्लास में आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनमोल ज्ञान दिया जाता है। इस अनमोल ज्ञान को ढूंढने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आधे अधूरे ज्ञान के कारण ही वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। अंत में, गुरु जी की क्लास में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाली घंटी बजाकर अपना एनरोलमेंट करवा लें, ताकि महत्वपूर्ण क्लास कभी आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य नीति के अध्याय 17 श्लोक 1 के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं की है, बल्कि मात्र पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया है, वह व्यक्ति विद्वान लोगों की सभा में उसी प्रकार सम्मान प्राप्त नहीं करता जिस प्रकार अनैतिक संबंधों से गर्भ धारण करने वाली स्त्री का समाज सम्मान नहीं करता है। आचार्य ने शिक्षक के बिना किताबी ज्ञान को अधूरा माना है। आचार्य के अनुसार गुरु के समीप रहकर ही योग शिक्षा पाई जा सकती है। पुस्तक में कई बातें ऐसी लिखी होती हैं जिन्हें शिष्य बिना गुरु के समझ नहीं पाता। गुरु अगर समीप है तो शिष्य को वह बात तुरंत समझा सकता है। यही कारण है कि शिष्य को जो ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है वह अपने आप में संपूर्ण होता है। बिना गुरु के प्राप्त ज्ञान आधा अधूरा रहता है और आधा अधूरा ज्ञान समाज के लिए खतरनाक होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में उपहास का पात्र बनते हैं और अपने ज्ञान का अपमान करवाते हैं। आचार्य चाणक्य खुद तक्षशिला विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक रहे हैं, इसीलिए आचार्य विद्यालय की शिक्षा का महत्व जानते हैं। अपनी पुस्तक में आचार्य ने एक अन्य प्रकार के गुरु के बारे में बताया है। चाणक्य नीति के अध्याय 15 श्लोक 2 के अनुसार, जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर का ज्ञान करवा देता है, उस गुरु के ऋण से शिष्य कभी मुक्त नहीं हो पाते। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे शिष्य गुरु को समर्पित कर अपने ऋण से मुक्त हो सके। आचार्य ने अपने श्लोक में एक अक्षर ज्ञान की महिमा का बखान किया है, लेकिन एक अक्षर ज्ञान से क्या अभिप्राय है, यह बात न तो चाणक्य नीति में स्पष्ट है न ही किसी अन्य पुस्तक में कुछ लिखा है। एक अक्षर ज्ञान के बारे में दो मत हैं। पहला मत, एक अक्षर अर्थात ओम, ओम को स्वयं परमेश्वर माना गया है, और जो गुरु परमेश्वर का ज्ञान करवा दे, आखिर उसके ऋण से कैसे कोई मुक्त हो सकता है। ऐसे गुरु के बारे में संत कबीरदास लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात जो गुरु आपको परमेश्वर का ज्ञान करा दे, वह स्वयं परमेश्वर से बड़ा हो गया है। इस प्रकार के गुरु का कोई भी ऋण चुका नहीं सकता। दूसरे मत, एक अक्षर अर्थात वर्णमाला ज्ञान। आपको याद है कि सर्वप्रथम आपको काश कबूतर किसने पढ़ाया था, याद कीजिए, शायद याद आ जाए। हाँ, कुछ याद आया? आपको की माँ ने एक अक्षर यानी वर्णमाला का ज्ञान करवाया था। माँ को दुनिया पहला गुरु मानती है। माँ और पिता के महानता के बारे में मैं क्या बताऊँ, यह बात तो सबको पता है। क्या कोई इस जीवन में अपने माँ और पिता का ऋण चुका सकता है और उनके ऋण से मुक्त हो सकता है? नहीं। आचार्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में माता पिता को अपने कर्तव्यों का एहसास कराया है और लिखा है कि ऐसे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। कई लोग अज्ञानतावश शिक्षक और गुरु
दोनों को एक ही मान लेते हैं। शिक्षक आपको नियमित शिक्षा देता है, जैसे आपके विद्यालय के शिक्षक, लेकिन गुरु आपको सांसारिक समस्या से मुक्ति का रास्ता बताता है, जैसे कि मैं जिन पुस्तकों के माध्यम से आपको सांसारिक समस्या से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। इसीलिए पुस्तकें भी आपकी गुरु हुई। अंत में संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे देखकर आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकें। गुरु को गुरुदक्षिणा में सम्मान दीजिए, यही गुरु के लिए सच्ची गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद।